हेलो दोस्तों, आज हम बना रहे हैं दाल पकवान। हमने चने की दाल और मुगड़ लिया है, तो हमने 3 कटोरी चने की दाल और 1 कटोरी मुगड़ लिया है। इसमें थोड़ा सा तेल डाला है और नमक और हल्दी डाली है। ये हमारे दाल बन रही है। पकवान के लिए हमने 1 किलो मैदा लिया है और उसके अंदर हम अजवाइन क्रश करके डालेंगे। इसको ऐसे लेंगे, और इसमें आप स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। पकवान ये हमने मिक्स कर दिया है, नमक और अजवाइन, और अब है ना हम इसको गूंद लेंगे। ये हम एकदम स्मूथ इसका आटा गूंद लेंगे मथार मथार के। मैदा है ये, इसपे हम थोड़ा तेल लगा देते हैं और इसको पटक पटक के इसको स्मूथ करेंगे। अभी इसको 10-15 मिनट हम रेस्ट में रख देते हैं। ये हमारा आटा हो गया, 10-15 मिनट इसको रेस्ट देंगे। ये हमने दाल में डालने के लिए बारीक बारीक टमाटर चॉप कर दिए है। दाल में 2 सीटी बोल गई है। ये हमने टमाटर चॉप कर दिए है, सीटी बोल गई है। ये हमारी आधी दाल हो गई है, अभी आधी और बनेगी। इसके लिए अब इसमें हम चॉप किए हुए टमाटर डाल देते हैं और 1 सीटी और लगाएंगे। ये दाल पकवान के लिए, दाल के लिए हम तड़का तैयार कर रहे हैं, तो ये हमने जीरा और राई डाली है। जीरे को हम थोड़ा जलने देंगे, इससे दाल में टेस्ट अलग आएगा। जीरा हमारा हो गया, इसमें थोड़ा सा नमक हल्दी डालते हैं और ये तड़का लगाएंगे। ये हमारी तड़के वाली दाल एकदम शानदार तैयार है। अब हम पकवान बनाएंगे। ये तेल चढ़ा दिया है पकवान के लिए, अब पकवान बनाएंगे। ये हमारे पकवान बन रहे हैं, बहुत अच्छी। इतने पकवान हमने बना लिए हैं। ये हम पकवान लगा रहे हैं। ये प्याज और मिर्ची है, ये टमाटर है, ये थोड़ी सी मिर्ची है और काला नमक डाल रहे हैं। ये थोड़ा काला नमक। ये हमारा पकवान एकदम शानदार तैयार है।
हेलो दोस्तों, देसी व्लॉग राजस्थानी खाने में आपका स्वागत है। हमने 1 किलो मैदा गूथा था, उसके हम मैदे के हम पकवान बना रहे हैं। तो हमने इतने पकवान बना लिए हैं। ये पकवान हम कढ़ाई में डाल रहे हैं और इसको अच्छी तरह से हम तलेंगे। ये हम पकवान बट रहे हैं।